हेलो गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ऑन प्लेटफॉर्म शिक्षा लिया। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि 12th क्लास की होगी और हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि 12th का पहला चैप्टर है। मैंने रिप्रोडक्शन से इसलिए स्टार्ट करना जरूरी समझा क्योंकि मैं पहले अगर जेनेटिक्स पे जाता तो फिर वहां पे जेनेटिक्स पे जाकर के कुछ कंफ्यूजन होते जो कि रिप्रोडक्शन को क्लियर करना बहुत जरूरी था। इसलिए अब मैं 11th और 12th दोनों को साथ में चलाऊंगा। एक वीडियो 11th की अपलोड होगी 11th के बच्चों के लिए, और ये जो खास स्पेशल रिक्वेस्ट आई है 12th के बच्चों की तरफ से, ये उनके लिए है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर, बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो वीडियो होगी ये इंट्रो वीडियो होगी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। एक मैं सिंपल सा इंट्रो वीडियो लेकर के आया हूं। देखिए यहां पे आप एक सिंपल सा ये देख रहे हैं, फ्लोचार्ट बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है। तो यहां मैंने लिख रखा है बर्थ टू डेथ। यहां मैं एक चीज और ऐड करूंगा, नॉट अ दैट इट्स अ नेचुरल, ओके। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच में जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और इस लाइफ स्पैन पीरियड को हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं चार कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है बर्थ, दूसरा कैटेगरी है जुवेनाइल फेज, तीसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, चौथा है एजिंग और लास्ट वन इज डेथ, जो कि कॉमन है, ठीक है। अब देखिए बर्थ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, बर्थ का कंडीशन क्या होगा, कोई एक नया ऑर्गेनिज्म स्पेसिस बर्थ हुआ। उसके बाद जुवेनाइल फेज जो फेज होता है, मैंने यहां पे लिख रखा है, देखिए नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज, मतलब आपका इसमें ग्रोथ होता है बट नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि हम लोग अभी आगे चलकर कि ह्यूमंस के टर्म में प्लांट्स के टर्म में सब कुछ पढ़ेंगे, सेकेंडरी प्राइमरी सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो ये समझ लेते हैं कि जुवेनाइल फेज इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रोइंग फेज। फिर आता है हम लोग का रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि सेक्शन हम लोग को इस चैप्टर में इस यूनिट में पढ़ना है। और उसके बाद एजिंग या सेंसेशन। अब देखिए एजिंग और सेंसेशन, एजिंग जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है प्लांट की कंडीशन में, और सेंसेशन यूज किया जाता है एनिमल की कंडीशन में। इसलिए मैंने यहां पे दोनों को मेंशन करके रखा हुआ है। उसके बाद नेचुरल डेथ। अब मैं आता हूं और बताता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ना दोस्त, एनसीईआरटी का सबसे पहला जो पेज होता है ना, जो स्टार्टिंग पेज होता है, काफी बोरिंग सा पेज होता है, एक दो पेज, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस वहां से आते हैं जो कि लोग स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं वहां से निकाल करके ये चीजें ले आया हूं, इसलिए आपको वो चीजें कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप वीडियो देख लो, आपका पूरा कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने इंसेक्ट का नाम लिख रखा है, दैट इज मेफ्लाई, और इसका सेकंड नेम जो इसको बोलते हैं वन डे इंसेक्ट बोलते हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह करके इसकी लाइफ पीरियड जो है वो लाइफ स्पैन दिखाने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ जाओगे तुम लोग। वन डे इंसेक्ट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसका एक ही दिन में बर्थ होता है, एक ही दिन में रिप्रोडक्शन फेज होता है, एक ही दिन में इसका एजिंग होता है, और एक ही दिन में इसका नेचुरल डेथ भी हो जाता है। तो इसकी लाइफ स्पैन जो है वो टोटली वन डे की होगी। अब देखो मैं कुछ फ्लो चार्ट यहां पर मैंने लिख रखा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन वन डे यंग एग्स आर एग्जिस्ट, ठीक है, यंग एग्स, और हम लोग जानते हैं इंसेक्ट के फॉर्म में लार्वा में होता है, फिर उसके बाद मोल्टिंग फेज में जाएगा, लार्वा से गया इन द लार्वा फॉर्म, देन गो टू द मोल्टिंग फेज, ठीक है। फिर मोल्टिंग फेज से क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि इंसेक्ट है तो प्यूपा में चेंज होगा। अब ये प्यूपा से नया एडल्ट आएगा, और ये जो नया एडल्ट आएगा वो जो रिप्रोडक्शन जो फेज होता है, इसमें रिप्रोडक्शन फेज जो होता है वो सिर्फ 5 से 7 मिनट का होता है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कर लो, इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये नया रिप्रोडक्शन जो हुआ, मतलब एडल्ट आया, एडल्ट ने रिप्रोड्यूस किया विद इन 5 to 7 मिनट, और फिर उसके बाद इसकी नेचुरल डेथ हो गई। सो दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द व्यू ऑफ नीट मेन लाइफ और वन डे इंसेक्ट, इसको याद रखना है। कुछ और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये अगर शॉर्टेस्ट हमारा लाइफ स्पैन हो गया, इससे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसी भी ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है। अगर मैं लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की बात करूं, लॉन्गेस्ट मैंने यहां लिख रखा है एक एनिमल का नाम, दैट इज बोहेड। बोहेड का जो लाइफ स्पैन होता है 150 टू 200 ईयर्स होता है, और इससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो टॉर्टॉइस की होती है अप्रोक्सीमेटली 300 टू 400 ईयर्स, दिस इज द लॉन्गेस्ट। और अगर हम लोग ये एनिमल की कंडीशन में बात करें, पैरोट की भी बात हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बर्ड्स की कंडीशन में 150 ईयर्स की इसकी लाइफ स्पैन होती है। और हम लोग अगर ट्री में आए तो बैनियन ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, और इसके जैसा यूकेलिप्टस हो गया, ये सब जो लाइफ स्पैन होती है कि 1000 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स होती है। अब मैं बताना चाहूंगा कि सबको जानते हो, बहुत फैमिलियर हो, कि जो रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग फेज में आते हैं, टाइप्स में आते हैं,
तो टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये सेक्सुअल और सेक्सुअल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, मैं वो नहीं बताऊंगा। यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होगा वहां सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक और मियोसिस बहुत अच्छे तुम समझा हुआ है, माइटोटिक डिवीजन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और माइटोसिस दोनों डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन का मतलब यहां नहीं समझाया तो समझ लो कि माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगी वो अपने पेरेंट जीन से एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी, और उसको हम लोगों ने नाम दिया है क्लोन। क्लोन का मतलब ये होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली इक्वल और एग्जैक्टली फ्रॉम देयर पेरेंट्स है। So this is all about the reproduction in organism, the intro video. In the next section we are going talking about the sexual and asexual reproduction. Thank you so much.